नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं कोल पी मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, विगत कुछ दिनों पहले पुरुलिया ज़िले के नितुड़िया थाना अंतर्गत सालतोड़ स्थित एक मदरसे के छात्र के साथ मॉब लिंचिंग जैसी एक घटना हुई थी, जिसे लेकर काफ़ी हंगामा भी बरपा था। हालांकि पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसे लेकर आज यानी 8 जुलाई को ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की एक टीम उक्त मदरसे में पहुंची और मदरसा टीचर से मिलकर और छात्रों से मिलकर जानकारी हासिल किया। साथ ही प्रशासन पर दबाव बनाया कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा जाए दी जाए। इसके साथ ही मिल्ली काउंसिल की टीम ने क्षेत्रीय लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। वहीं एक घटना आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 74 स्थित बेजडी में घटी थी, जिसे लेकर भी मिल्ली काउंसिल की टीम ने स्थानीय पार्षद नेपाल चौधरी से जानकारी हासिल की। से अपना भी नाम रोशन करे, अपने इलाके का और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करे। और जिस तरह आज फिरका परस्तों ने और इंसानियत दुश्मनों ने, मैं इसको कहता हूँ हिंदू मुसलमान नहीं, इंसानियत दुश्मनों ने जो दरिंदगी की है और घिनौना खेल खेला है, चल खेला है। अब कहते हैं कि हमारा ये बच्चा पढ़ लिख करके इस काबिल हो कि इस तरह जहन रखने वालों को और इस तरह गंदी सियासत करने वालों को, जो लोगों के खून से, इंसानियत के खून से दरिंदगीत कर करके और इंसानियत को तकलीफ पहुंचा कर करके अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, अपनी सियासी दुकान चमकाना चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा वो सत्ता में रहना चाहते हैं या अहदे का तलबगार हैं, तो उनको ये पल पढ़ लिख के पैगाम दें कि देखो, हम वो इंसानियत का पैगाम तुमको दर्श देते हैं, सबक देते हैं कि सब इंसान है और सबकी कदर इज्जत वैसे ही है, सबकी जान उसी तरह है। और इस मुल्क की पहचान हिंदुस्तानी होने के नाते है, इंडियन और भारतीय होने के नाते है। हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हर कोई अपने मजहब में इस जमहूरी मुल्क में आज़ाद है और हर कोई जिस तरह अपने मजहब के साथ जीना चाहे बिल्कुल जी सकता है। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का दस्तूर, इसका आइन, इसका कानून हम सबको इजाज़त देता है कि अपने अपने मजहब पर सब अमल करे, कोई किसी के मजहब के लिए किसी को डिस्टर्ब ना करे और न किसी के धर्म को डिस्टर्ब करे। धर्म के नाम पर सियासत की रोटी सेकना, धर्म के नाम पर कुर्सी हथियाना, धर्म के नाम पर सत्ता हथियाने का ये ख्वाब उन लोगों का और ये ख्याल और ये सोच कि आइन की धज्जी उड़ जाए, हिंदुस्तान का कानून कर जाए, ये मुल्क के वफादार नहीं हो सकते। मुल्क के ये गद्दार हैं और वो मुल्क के गद्दार हमेशा होंगे। मुल्क का इनसे न तरक्की हो सकता है, न मुल्क का भला हो सकता है, बल्कि जिस रविश पे लेके जा रहे हैं, ये मुल्क जो है टुकड़ों में बंटने वाला है। मुल्क का नुकसान होगा और अजीम नुकसान होगा, और मुल्क का नुकसान हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम तमाम हिंदुस्तानियों का, तमाम इंडियन का, तमाम भारतीयों का नुकसान है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चा हमारा जब पढ़ेगा तो ये पैगाम देगा और उसे इंसानियत का सबक सिखाएगा। और मिल्ली काउंसिल का ये वफद पूरे गाँव वासियों को और पूरे बंगाल वासियों को, पूरे मुल्क वासियों का यह पैगाम देता है और यह मैसेज देता है कि दरिंदगीत छोड़ दो, इंसानियत पर आ जाओ और मुल्क की हिफाजत के लिए एकजुट हो जाओ, मिल जाओ, धर्म के नाम पर सियासत बंद करो, धर्म के नाम पर पॉलिटिकल और जो पॉलिटिक्स बंद करो, धर्म के नाम पर कुर्सी हथियाना बंद करो। तो कुर्सी और सियासत तुम्हारी हो सकती है, उसको धर्म से न जोड़ो। धर्म अलग चीज़ है, कुर्सी, सियासत और पॉलिटिक्स अलग चीज़ है। इस हिंदुस्तानियों को धर्म के नाम पे बरगला करके इंसानियत का कत्ल मत करो। मेरा नाम मोहम्मद सईद असद कासमी। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि आप लोग एक वफद की शक्ल में आए हैं जी। आप लोग किस वफद से? ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल आसनसोल महकमे का जो है। अच्छा, हम लोग उससे आए हैं। अच्छा, मतलब किस मकसद के तहत आना हुआ? हम लोगों को साल तोड़ के सिलसिले में जो कुछ दिनों से खबरें आ रही थी, 3 तारीख को जो मदरसे के बच्चे के साथ जो हादसा हुआ, उस हादसे का मुझे इल्म हुआ और जैसे इल्म हुआ मैंने रابطہ किया मदरसे के मदर्रिस से और जो वहाँ के करीब के लोग थे उन नजरात से रابطہ किया, रابطہ कर करके और पूरी खबर लिया, पूरी इस खबर की तहकीक की। फिर
मैंने नितोड़िया थाना के ओसी से भी बात की कि वहाँ के हालात पर रखे क्या क्यों ये घटना हुई और जो मुजरिमीन है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त चार्जेस लगाए जाएँ ताकि आइंदा जो इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि अब्दुलमान है और ये ख़बर मिली है कि वहाँ के बाशिंदों के ज़रिए और मौलाना इख्तियार साहब जो ज़िम्मेदार उन्होंने बताया कि ओसी ने हमको ख़बर यह दिया है कि गिरफ़्तारी हो गई है। तो हमने पूछा भी भाई गिरफ़्तारी अगर हुई है लोग वहाँ इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहे हैं पुलिस के इस बयान पर कि हम लोगों को ना दिखाया गया ना कुछ ना बच्चे से शनाख्त कराई गई। तो मैंने कहा कि बिल्कुल शनाख्त कराना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ था बच्चा कैसे पहचानेगा। मैंने कहा कि बच्चा पहचाने नहीं पाया, कम से कम हो सकता है कि आवाज़ सुने, आवाज़ को पहचान ले बच्चा, इसलिए कि बच्चे के साथ धक्का मुक्की भी हुआ है जैसा कि उनके मदरस ने बताया या बच्चे ने जो बयान दिया। तो ऐसी सूरत में अगर पब्लिक को इत्मीनान नहीं है तो उसके इत्मीनान के लिए पुलिस को जो बेहतर कार्रवाई तो करनी चाहिए थी। मुजरिम सामने माहौल में गया तो माहौल तो ठीक ठाक लग रहा है, लोग भी पुरामन हैं, लेकिन थोड़ा जाहिर सी बात है कि हादसे के बाद वहाँ के लोग भी मुतहैर हैं और जो अमन पसंद शहरी हैं वो भी हैं, कुछ सहमे हुए भी लोग हैं कि छोटे से वाक्य को बड़ा करके सियासी रंग दे दिया जा रहा है। नहीं, मुझको तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ सियासी रंग दिया जाए, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो हादसा है वो हादसा अपने तई उसको छोटा नहीं कहा जा सकता, वो हादसा बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ जो एक साजिशी माहौल जो तर चल रहा है हमारे मुल्क में, हमारे देश में, ये एक प्लानिंग, एक साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है और ये साजिश है हिंदुस्तान को बाँटने का। और मुझको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों ने जिस चाल को चला था कि डिवाइड एंड रोल, बाँटो और हुकूमत करो, तो आज हमको हिंदू के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर, मुसलमान के नाम पर लड़ा कर करके सिर्फ और सिर्फ लोग अपनी कुर्सी सीधा कर रहे हैं। आपने कहा कि साजिश से जो चल रही है, बदनाम किया जा रहा है जी, आप तो एक जिम्मेदार इंसान हो, इससे मुसलमानों को कैसे निपटना चाहिए? मुसलमानों को इंतहाई हिकमत के साथ इस मामले को करना चाहिए। जहाँ जो हादसात हो रहे हैं फौरन उसके जिम्मेदार को, उनके जिम्मेदारों से मिलना चाहिए। मामला साजिश का तरह के मुसलमानों को हिकमत के साथ और बहुत ही तदबीर के साथ, पहले मसला है कि हम ये देखें कि वाकई जो घटना, जो हादसा हमारे यहाँ हो रहा, वहाँ के जो ज़िम्मेदार शहरी हमारे, हम उनसे कंसल्ट करें, चाहे वो हिंदू हो या कोई और मज़हब के, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनकी बातों से समझ में आएगा कि वाकई ये इसके पीछे इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर साथ देता, मैं जहाँ तक मेरा नज़रिया जा रहा, मैं देखता हूँ, मेरा तजर्बा जो है कि जहाँ भी ये घटनाएँ घट रही हैं, हादसात हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो है बाज़ाब्ता ये मनसूबे के तहत किया जा रहा, प्लानिंग जो कुछ समझ में आता है कि प्लानिंग करके बदसूबा बना कर करके दहशत का माहौल पैदा करना, खौफ हरास पैदा करना और उसके बाद एक तरह का माहौल खड़ा हो कि आपस में लोग लड़ें और भिड़ें। और कुछ बू इसमें मैंने थोड़ी बहुत नहीं बल्कि पूरी पूरी सियासत है और ना कहीं बंगाल को भी डिस्टर्ब करें। ऐसे तो ये हादसे पूरे मुल्क में हो रहे हैं, बंगाल को खसूसन तौर पर ये टारगेट अब किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, यानी धर्म को सामने ला के, मज़हब को सामने ला कर के इतना पॉलिटिक्स किया जाए कि हम हर जगह छा जाएं और हुकूमत में हम ही रहें और अपने जी से जैसे चाहे जी लें, पब्लिक की परवाह नहीं, ना ही हिंदुस्तानी जो है पब्लिक की परवाह है उसकी तरक्की का, उसके रोज़गार का, नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं, इन सब की चीज़ों की परवाह किसी को नहीं है, लेकिन बस धर्म के नाम पर अपनी कुर्सी पकड़िए, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर लोगों को बांटिए और इस हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तानी रीति रिवाज है, जिस तरह हम लोग सब मिलजुल कर रहा करते थे, सब भाई बंधु एक साथ रहते हैं, आज भी सब एक जगह हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, साथ में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब है, लेकिन एक मामला कोई आकर के पॉलिटिक सियासत करता है, धर्म का नाम पे छेड़ कर करके लोगों चले, उस वक्त धर्म उजागर हो जाता। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि धर्म का जब पालन करना चाहिए लोगों को, धर्म के उन बातों का पालन तो नहीं करते, लेकिन कोई सियासी आदमी और कोई कुर्सी के लालची आदमी जब आता है और धर्म की बात करता है तो उस वक्त हम लोगों का धर्म जाग उठता है। मैं अपने उन तमाम भाइयों से, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से होशियार रहें और ऐसे साजिश और प्लानिंग करने वालों को कड़ा सबक सिखाएं और ये कहें कि हम यहाँ प्यार से और मोहब्बत से रहते हैं, तुम हमारे दरमियान आकर के इस तरह हादसा नहीं करो, क्योंकि जब खबर ली जाती है तो मालूम होता है कि बाहर का आदमी है, लोकल आदमी नहीं, कभी चेहरे देखे जाते हैं तो बाहर का आदमी है। आज जो आप आए वफद की शक्ल में, आपके साथ में कौन कौन लोग हैं? हमारे साथ में हमारा ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का खुद में जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से हूँ आसनसोल महकमे का, और डॉक्टर नज़र इमाम साहब हमारे ट्रेजरर हैं, और हमारे अराकीन में डॉक्टर नसीम साहब हैं, रहमतुल्ला साहब हैं, और इरफान साहब कुल्टी से थे जो किसी ज़रूरत की वजह से वह अभी उतर गए। हम लोग खुद 5-7 आदमी की ये टीम थे कि वहाँ के हालात का भी जायज़ा ले लें, सही बात जो है अफवाह और रिमर न रहे, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम एडमिनिस्ट्रेशन पर भी दबाव बनाए कि भाई सही मुजरिमीन की गिरफ्तारी और उनको सबक सिखाए। चलिए शुक्रिया। चल रही थी कि बेजडी में भी मॉब लिंचिंग का कुछ वाकया हुआ, ये हकीकत क्या है? आप तो यहाँ के काउंसिलर हैं, आप खुद बता सकते हो क्या हुआ कल रात में।
वो दो भाई है यहाँ, एक दिलीप नूनिया बोल के, एक साबिर खान ये दोनों थोड़ा सा एबनॉर्मल थे। वो लेके झमेला हुआ, झमेला होने के बाद एक जना का थोड़ा मुंह में चोट आया, थोड़ा सा खून निकला, इसलिए के थोड़ा सा झमेला बढ़ाने की कोशिश किया गया। अच्छा। लोकल में कुछ वैसे ही सियासी रंग दिया, सियासी रंग देने का कोशिश किया, अच्छा। लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। वो सब बढ़ाने की कोशिश किए कि झमेला जैसे बढ़ जाए, हम लोग थोड़ा फ्रंट में आए। इन लोगों का तो काम धंधा है नहीं, सुबह से उठ के कोई काम नहीं, किसी के बारे में सोचना नहीं, पब्लिक के बारे में सोचना नहीं, इलाका के बारे में सोचना नहीं है, खाली ये सब खोज रहे हैं। और अभी जो माहौल है, माहौल में थोड़ा सा रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जब इन्फॉर्मेशन मिला तो आप क्या स्टेप लिए? हमको संग संग खबर मिला, हम संग संग प्रशासन को खबर दिए। नियामतपुर का बड़ाऊ बोले, बड़ाऊ तुरंत आए यहाँ, आके जो झमेला हुआ था उसको संगे संग अरेस्ट किए। अरेस्ट करने के बाद लेके चल गए, लेने के बाद ले जाने के बाद यहाँ रात भर पेट्रोलिंग चलाए, माहौल ठीक था सब। अभी, मोटा अभी मोटी तो सिचुएशन कंट्रोल में है। अभी सुबह हम आए, शायद 10 बजे लोगों को टाइम दिए थे, दोनों तरफ का भाई लोग को लेके बैठे थे स्कूल में। बैठने के बाद दोनों से म्यूचुअल का तरह हुआ, उसका बाद उसको ट्रीटमेंट उटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट कराया जाएगा, और ले जाके हम लोग फांसी से उसको रिकवरी करके लेके आए। आप तो काउंसलर है, आपको आपके वार्ड के लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है, शुरू से मैसेज है कि सब एक जगह, जैसे देखिए हम लोग कोल फील्ड में जन्म लिए हैं, हम लोग 52 जात के साथ बड़ा हुए हैं, सबका साथ सबका मेल है। हम लोग कोई एक तो गांव में जन्म नहीं लिए। कोलेरी का मतलब हुआ दूर दूर से सब आदमी यहाँ आके रोजगार के लिए आए हैं, सबका साथ ऐसा परिवेश बना हुआ है कि मेरा कुछ तकलीफ होता बगल वाला दौड़ता, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे बावड़ी हो माझी हो, ये हम लोग देखते नहीं हैं। किसी का होता तो हम भी दौड़ते हैं। अभी हम फिलहाल ही 4 साल हुआ काउंसलर हैं, इसका पहले तो जन्म तो मेरा ही है। हम लोग देखता है वह माहौल जो था, हम लोग कोशिश कर रहे वो माहौल बरकरार रहे, लेकिन अभी जो दो चार भाई नया नया तैयार हुए हैं, वो लोग सोच रहा कि वो माहौल, वो तो माहौल का मतलब नहीं जानते हैं, वो लोग कहाँ जानेगा। 2 दिन हुआ, जुमा जुमा 8 रोज हुआ आया है जन्म लिया, उन लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है कि हम लोग का परिवेश कैसा था, कैसा हम लोग रहते रहे। अभी जो हम लोग जो वो लोग जो कोशिश कर रहा है उसको हम लोग चाह रहे कि इसका कमयाब नहीं हो, नकाम करना है, और सबको साथ मिल के रहना है। हमको तो सबको बोलना है, गोटा वार्ड का, गोटा आसनसोलवासी वेस्ट बंगाल का बोलना है, देखिए जो दंगा जो कुरफाती दिमाग उसका परसेंटेज कम है, अभी भी हम लोग का अच्छा का संख्या ज़्यादा है, अच्छे लोग जो है ज़्यादा है। वो दो चार गो का लिए आपस में कोई ऐसा कांड नहीं करे कि दूसरा को हम लोग का तकलीफ हो, इसीलिए सबसे गुजारिश है मेल मोहब्बत बन कर रहे, जो एक जना का तकलीफ हो सब उसका तकलीफ को समझें, इसको उसका हाथ बटाएं, ये समझ रहना चाहिए। चलते चलते आपसे एक सवाल ये है कि सोशल मीडिया में जो अभी का जो दौर है सोशल मीडिया का, इसमें अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, लोग र्यूमर को बहुत ज़्यादा फैला देते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग? मेरा सोशल मीडिया में ये बोलना है, सोशल मीडिया फॉलो कर रहा सब अंडर एज यंग जेनरेशन, ये लोग हमेशा मोबाइल लेकर कुछ काम धंधा है ना खेलना है, ना बैट बॉल में जाना है, ना फुटबॉल खेलना है। इस गाच का नीचे रोड किनारे पुल का नीचे बैठ के सोशल मीडिया खाली फेसबुक व्हाट्सअप वही सब, ये सब खोज खोज के व्हाट्सअप में भेज रहा। आप उसको पढ़िए देखिए, उसका बाद जांच कीजिए, उसका बाद उसमें एक्शन लीजिए। हम का लिख के भेज दिए उसके में, आप दिल्ली में देख के कुदुक गिए, अरे वो सब का कुदुक, आप उसको जांचिए देखिए कि लड़का कैसा है, कौन भेजा, उसका कैटेगरी का है, उसका औकात का है, सच्चाई जाइए अंदर तक जाइए, उसका बाद बोलिए। उसका बाद अगर गलत है प्रशासन है कोर्ट है, जाइए उस लड़ना का है। चलिए ठीक, थैंक यू।